आज संसद भवन नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सौजन्य भेंट की। नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये मेरे लिए संतोष की बात है कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा प्रदेशवासियों के लिए सार्थक सिद्ध हो रही है। रीवा के गोविंद लाल तिवारी जी की गंभीर स्थिति के कारण एयर एम्बुलेंस द्वारा रीवा से भोपाल लाया गया, अब उनका यहाँ उपचार चल रहा है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब राज्य के मंत्रीगण इनकम टैक्स का व्यय स्वयं वहन करेंगे और शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के किसी सैनिक के शहीद होने पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% राशि शहीद की पत्नी को और 50% राशि शहीद के माता पिता को दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विकास खंड स्तर पर नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं उपकरणों को युवा उद्यमियों एवं संस्थाओं को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 25 जून से 31 अगस्त 2024 तक संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एवं अन्य गणमान्य जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। आज कैबिनेट की बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने सौजन्य भेंट की एवं प्रदेश हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उन्हें बधाई दी।